We are discussing about commutation relations. आज हमने जो commutator देखना है वो है angular momentum और linear momentum का. तो linear momentum और angular momentum commute करते हैं. It means कि angular momentum और linear momentum की values को simultaneously हम define कर सकते हैं. तो अब देखते हैं कि अगर lx और px है तो ये commute कर रहा है कि नहीं कर रहा. तो Lx की वैल्यू हमें पता है माइनस आयोटा एच कट y डेल ओवर डेल z माइनस c डेल ओवर डेल y. और लीनियर मोमेंटम की x में हमारे पास जो वैल्यू है माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल x. वैसे हमारे पास मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है माइनस आयोटा एच कट डेल के. तो हमारे पास x क्यों डिस्कस कर रहे हैं तो पार्शल ओवर पार्शल x आ गया. अब हम इस कम्यूटेटर को ओपन करते हैं तो ये हमारे पास है Lx, Px, ये दोनों ऑपरेटर्स. जब ये कम्यूटेटर ओपन करेंगे कम्यूटेटर ओपन होगा Lx Px माइनस Px Lx की फॉर्म में. अब हमें पता है कि ऑपरेटर्स को किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है. तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंट्रोड्यूस वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड्स. इंट्रोड्यूस वेव फंक्शन ऑन बोथ साइड्स. वेव फंक्शन हम लगाते हैं Lx Px वेव फंक्शन साई. यहाँ पे आ गया Lx Px माइनस Px Lx psi. अब Lx और Px की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं. तो पहले Lx की आएगी माइनस आयोटा एच कट y डेल ओवर डेल z माइनस z डेल ओवर डेल y. Px की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल x. फिर माइनस साइन आ गया. फिर अगेन माइनस Px की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे माइनस आयोटा एच कट डेल ओवर डेल x. Lx की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे वो हमारे पास है माइनस आयोटा एच कट वाई डेल ओवर डेल जी माइनस जी डेल ओवर डेल वाई. ब्रैकेट लगाते हैं और बाहर हमारे पास आ गया साई. अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया. आयोटा स्केयर एच कट स्केयर ये टर्म एज इट इज आ गई वाई डेल ओवर डेल जी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई. और ये पार्शल ओवर पार्शल x डेल ओवर डेल x हमारे पास एज इट इज़ आ गया. और साथ में साई हमने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ये माइनस 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 प्लस हो गया. आयोटा स्केयर एच कट स्केयर यहाँ पे डेल ओवर डेल x हमारे पास पहले आ जाएगा. ये वाली टर्म हमारे पास बाद में आ रही है y डेल ओवर डेल c माइनस z डेल ओवर डेल y साई. आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है आयोटा स्केयर इज इक्वल्स टू माइनस वन. तो यहाँ पे हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस एच कट स्केयर वाई डेल ओवर डेल सी माइनस सी डेल ओवर डेल वाई. साइज के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन गया डेल साई ओवर डेल एक्स माइनस. और आयोटा स्केयर की वैल्यू माइनस वन ये प्लस वन हो गया प्लस एच कट स्केयर आ गया डेल ओवर डेल एक्स. यहाँ पे वाई साई दोनों टर्म्स के साथ आ जाएगा डेल साई ओवर डेल सी माइनस सी डेल साई ओवर डेल वाई. अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस एच कट स्केयर हम कॉमन निकाल लेते हैं. तो ये टर्म हमारे पास माइनस एच कट स्केयर कॉमन निकाल लिया तो वाई डेल स्केयर साई ओवर डेल एक्स डेल जी माइनस जी डेल स्केयर साई ओवर डेल वाई डेल एक्स आ गया. अब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा अच्छा. अब हमारे पास जब हमने इसको इसके साथ करना है तो यहाँ पे हमारे पास एक ये टर्म आ रही है एक ये टर्म आ रही है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. ठीक है तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड. पहले फर्स्ट टर्म हमारी उसका डेरीवेटिव डेल वाई ओवर डेल एक्स और सेकेंड वैसे ही आ गई प्लस सेकेंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट टर्म एज इट इज़. तो फर्स्ट टर्म को जब हम एज इट इज़ लिखेंगे ये बन जाएगी y और ये आ जाएगा डेल एक्स डेल z. फिर माइनस अब जब इसके ऊपर अप्लाई होना है तब अगेन हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकेंड तो ये हमारे पास क्या बनेगा पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव तो डेल z विद रिस्पेक्ट टू डेल x और सेकेंड टर्म एज इट इज़ आ गई इसका डेरिवेटिव और ये एज इट इज़ आ गई. अब फर्स्ट फंक्शन हमारा एज इट इज़ आ जाएगा और सेकेंड का डेरिवेटिव आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई ये टर्म आ गई हमारे पास.
अब अगेन क्या करना है, माइनस एच का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया, वाई डेल स्क्वायर साई, ये दोनों टर्म एज इट इज आ जाएंगी, डेल एक्स डेल जी माइनस सी डेल स्क्वायर साई डेल वाई डेल एक्स। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया। अच्छा वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, तो ये टर्म जीरो हो गई, माइनस जीरो माइनस प्लस माइनस वाई डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स डेल जी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। प्लस जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो, तो हमारे पास ये टर्म जीरो प्लस हमारे पास आ गई जी डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स डेल वाई। यहाँ से देखें तो ये वाई वाली टर्म है, ये वाई वाली टर्म प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस में, और ये टर्म हमारे पास आ रही है प्लस में, तो टोटल हमारे पास सारा जीरो हो गया। तो एल एक्स पी एक्स का हमारे पास कम्यूटेटर क्या आ जाता है, इक्वल्स टू जीरो।